आज की मंडे मॉर्निंग कुछ खास है क्योंकि आज हम आए हैं जीरो माइल सिटी नागपुर में। एमटीडीसी नागपुर के फैमिली रूम में हम आज की रात गुजारने वाले हैं। तो हम लोग अभी एमटीडीसी नागपुर पहुंच चुके हैं। सार्थक यहाँ पर है। हाय सार्थक। काफ़ी स्पेशियस जगह है ये। काफ़ी वीआईपी सूट है और फैमिली एसी रूम है। काइंड ऑफ हॉस्पिटल जैसा तो नहीं लग रहा है सार्थक? हॉस्पिटल जैसा लग रहा है क्या ये? बट वेरी स्पेशियस बाय द वे। ये है हमारा फैमिली रूम जहाँ पे चार बेड्स लगे हुए हैं। इनफ फॉर ए मीडियम साइज्ड फैमिली। ओनली दिक्कत मुझे लग रही है कि आपको ये रूम इस पिलर के साथ शेयर करना पड़ेगा। नागपुर का एमटीडीसी एक रिसॉर्ट न लगते हुए एक हॉस्टल की तरह लग रहा था और इसका जो लोकेशन है वो भी नागपुर सिटी के बीचों बीच है। अगर हम नागपुर पहुंच ही गए हैं तो यहाँ की फेमस जंगल सफारी तो करनी ही है, लेकिन उसके पहले पेट पूजा हो जाए। तर्री पोहा तो नागपुर वालों की जान है और इसका ऑथेंटिक टेस्ट चखने के लिए हम पहुँचे नागपुर सिविल लाइन्स के इस साउजी ठेले पर। स्पेशलिटी इसमें चना मिक्स होता है राइट तर्री पोहा में। कैसा टेस्ट, कैसा लगा? टिकट है तो नागपुर की खासियत है ना, टिकट है। वन स्ट्राइकिंग थिंग इज यहाँ पे एक डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक दिया हुआ है हर रोड पे, विच इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया। दोपहर के 1 बजे थे और हम निकले थे गोरेवाड़ा जंगल सफारी करने के लिए। दोपहर के 2 बजे के बाद में इसकी बुकिंग चालू होती है, ऑन द स्पॉट बुकिंग भी हो सकती है। सार्थक इज ऑल सेट फॉर द जंगल सफारी। हम लोग आज जाने वाले हैं गोरेवाड़ा जंगल सफारी में। हमारी खुद की जिप्सी होने वाली है क्योंकि हम लोग 5 लोग हैं तो हमने जिप्सी प्रीफर की है। सार्थक लेट्स गो। नागपुर सिटी से ये सफारी लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। कड़ी धूप में ये जंगल सफारी शुरू तो हो चुकी थी, लेकिन जो बीच बीच में बारिश के बौछारें गिर रही थी वो हमें ज़रूर राहत पहुंचा रही थी। फाइनली पहुंच गए हैं, लेकिन हीट काफ़ी है बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमें, वरना इतनी हीट में सफारी करना बहुत ही मुश्किल है। रोड की इस तरफ ये जंगल है और रोड की उस तरफ जू है। तो द थिंग इज़ हम लोग गलत जगह गए थे। गोरेवाड़ा जू अलग है, गोरेवाड़ा जंगल सफारी अलग है। तो हमें 1 किलोमीटर पहले उतरना चाहिए था, लेकिन हमने ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आगे चले गए तो जू में चले गए। तो जिप्सीज यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आप 1750 टोटल खर्चे में आप एक जिप्सी हायर कर सकते हैं। लगभग 1.5 घंटे का सफारी होगा। मेन अट्रैक्शन ओवर हियर इज़ नॉट द टाइगर, बेसिकली लेपर्ड यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं। मौसम अचानक से बदल रहा है, धूप छाँव का खेल तो चल ही रहा है सुबह से, और आज होपफुली धूप ना निकले। बीच बीच में जो गैप्स दिख रहे हैं वहाँ से धूप निकलती है। ये इस तरह की जिप्सी है जहाँ पे गाइड यहाँ बैठेगा। गाइड और ड्राइवर का तो एनक्लोज्ड है, लेकिन जो पैसेंजर्स है उनका ओपन है। अजीब है थोड़ा, लेकिन दैट इज़ अ रियल एडवेंचर आई थिंक। ऐसे जंगलों में तेंदुए को ढूंढना सच में एक चैलेंज है, गाइड की ज़रूरत इसलिए तो पड़ती है। इस ट्रेन ने भी लेपर्ड का कलर अपना लिया है। और ये बारिश की पहली बूंद, आज 1 जून है और बारिश की पहली बूंद नागपुर में आ चुकी है। ओह माय गॉड, मिट्टी की खुशबू, बारिश का पानी, वाओ, ऑसम, दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ द सफारी। फाइनली हमारी जिप्सी तैयार हो गई है और बच्चे भी बैठ चुके हैं, और पीछे यूजुअल पोजीशन शमिका, और यहाँ पे बैठेंगे शमिका के पापा। दादा लेपर्ड स्पॉट होता था का? स्पॉट होता है। कितनी लेपर्ड्स है तिकड़े? सैटरडे को जो स्पॉटिंग हुई है, हाँ हाँ, लेकिन हर जंगल में लेपर्ड की जो स्पॉटिंग है वो कम रहती है। अच्छा, मे बी हो जाए। देखते हैं। हियर वी स्टार्ट। शहर की बढ़ती आबादी के बीच लुप्त होता हुआ गोरेवाड़ा का ये जंगल मानो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। ये मरने वाला है। एक्चुअली यहाँ पर जो है वो स्टोन सर्कल है, आप आदिवासी लोगों का बलि प्लेस भी बोल सकते हैं। एंशिएंट टाइम में जो ट्राइब्स रहा करते थे जंगल में, अच्छा, उसका ये ग्रेवयार्ड या बलि स्थल, बलि प्लेस बोल सकते हैं। एक्सकवेशन हो चुका है, यहाँ उनके स्केलेटन वगैरह मिले हुए हैं। मिट्टी से सने इन रास्तों के बीच लेपर्ड को खोजती हमारी आंखें, और गाइड का ये कहना कि यहाँ पर 5 से 7 लेपर्ड्स हैं एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे। वाह,
बारिश के बादलों को देखकर झूमकर मचलते हुए मोर हमें कई सारे नज़र आ रहे थे। यहाँ पर शोर मचाती हुई जिप्सियों को देखकर हिरन को कोई ताज्जुब नहीं हो रहा था, शायद ये इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। इन जंगली जानवरों के बीच सफारी करते करते पता ही नहीं चला कि कब 1.5 घंटा गुजर गया। हाल ही में गोरेवाड़ा जू भी काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन बन चुका है, मगर सफारी के बीच जंगली जानवरों को देखने के बाद हमें जू में एनिमल्स देखने की इच्छा नहीं हो रही थी। सफारी ख़त्म हो चुकी है, तेंदुआ तो दिखा ही नहीं, क्लाइमेट वॉज टेरिबल, थोड़ा सा बारिश ने थोड़ी राहत हमें दी। देखने के लिए वैसे वाइल्ड लाइफ हर्बीवोरस काफ़ी सारे देखने को मिले हमें, खासकर डियर और मोर। अगर आपको गोरेवाड़ा जू में आना है तो दिस इज़ द प्लेस यू शुड बी, दिस इज़ द जू एरिया, जहाँ पे आप टिकट काउंटर पे जाके एसी बस एंड नॉन एसी बसेस का टिकट्स बुक करा सकते हैं। आपको हमारा ये एक्सपीरियंस कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। hey, सफारी इज़ ओवर, आर यू अवेक? हमने लेपर्ड देखा, लेपर्ड।